प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज मोदी के जन्मदिन पर गुजरात और वाराणसी को सजाया गया है, तो वहीं गुरुग्राम में भी बीजेपी के जिला सचिव ने जल संरक्षण के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत की है। जल ही जीवन है, जी हाँ, जल है तो कल है, और इस जल की बर्बादी ना हो इसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ने कई मुहिम की शुरुआत की है। वहीं गुरुग्राम में बीजेपी के जिला सचिव ने भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जल संरक्षण के लिए एक अलार्म बेल गुरुग्राम में वितरण करने की मुहिम की शुरुआत की है। आज बड़ा ही उत्सव का दिन है कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे जनमानस के प्रिय नेता हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो एक सेवा सप्ताह में हम इसको कुछ विशेष तौर पर विशेष तरीके से मनाने जा रहे हैं। आज हम लोगों को एक सेवा के माध्यम से एक अपील करना चाहते हैं कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे को जल बचाने के लिए एक हमारे को संदेश दिया है कि हमें जल संवर्धन और जल संयोजन पे काम करना चाहिए, तो उसी कड़ी में हम लोगों को अपील कर रहे हैं कि हमें पानी, हमारे जो पानी की टंकी है उसके ऊपर हमें बेल लगानी चाहिए, जिससे जब हमारी पानी की टंकी भर जाती है तो हमें उसका मालूम हो जाए और उसको जो पानी वेस्ट जाता है उसको हम बचाने का काम करें। हमारे को ये विश्वास है और एक ये आस्था भी है हमारी कि हमारे जब इस तरह के छोटे छोटे हम काम करेंगे तो इसमें लाखों लीटर पानी बचाने में हम इस मुहिम में बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे, और हमारा गुरुग्राम जो एक जागरूक हमारा क्षेत्र है वो इस मुहिम में हमारा पूरा साथ। अलार्म बेल लोगों के घर में लगाई जाएगी जो पानी की टंकी भर जाने के बाद लोगों को सूचित करेगी कि आपकी टंकी भर चुकी है, कृपया पानी की मोटर बंद कर दें, क्योंकि जल है तो कल है। आपकी पानी की टंकी भर चुकी है, कृपया मोटर बंद करें, जल है तो कल है। मैं नवीन कोयल गुरुग्राम विधानसभा आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपकी पानी की टंकी भर चुकी है, कृपया मोटर बंद करें, जल है तो कल है। फिलहाल ये अलार्म गुरुग्राम के 1000 घरों में लगाई जाएगी, लेकिन जिला सचिव का लक्ष्य गुरुग्राम के सभी घरों में अलार्म लगाने का है। ऐसे में इनका मानना है कि इस मुहिम से हर महीने कई हजार लीटर पानी बचाया जा सकता है, और प्रधानमंत्री के जल संरक्षण मुहिम को कामयाब किया जा सकता है। न्यूज़ डेस्क।